हलका मुलाना के ब्लॉक सहा में तहसीलदार व कर्मचारियों को युवा समाज सेवा संगठन ने कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए पुष्प वर्षा कर व मोमेंटो देकर किया सम्मानित। जनमंच की आजादी न्यूज के लिए हलका मुलाना से सुखेंद्र कौर की रिपोर्ट। सर, युवा समाज सेवा संगठन लॉकडाउन में सराहनीय कार्य कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या क्या विचार? संगठन ने बहुत बढ़िया काम किया है, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और इन 24 घंटे रात को भी ये अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। आगे भी हमें उम्मीद है भी आगे भी ऐसे ही प्रशासन के साथ मिलकर काम करें। सर, आज स्टाफ को सम्मानित किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? युवा समाज संगठन द्वारा माननीय तहसीलदार साहब, स्टाफ सर्कल स्टाफ पटवारी साहब, तहसीलदार साहब के माध्यम से कार्य कर रहे सभी स्टाफ मेंबर तहसील के सभी का मैं आज यहां पर मंत्रित करने के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कोरोना में नायब तहसीलदार साहब के माध्यम से जो प्रवासी मजदूरों को खाना प्रोवाइड कराया गया था, वो NGO संगठन सभी संगठनों के द्वारा घर घर जाके उनको खाना प्रोवाइड कराया गया था। और मैं अपने सभी NGO के सभी सदस्यों को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि स्टाफ के सभी मेंबरों ने पूर्ण NGO का सहयोग किया है और जो जो भी लॉकडाउन के दौरान समस्या आई है प्रवासी मजदूरों को, उन्होंने रात दिन एक करके उनको दूर किया गया है। संगठन के सभी सदस्यों ने अपने निजी कोष से जैसे प्रवासी मजदूर थे उनको खाना और भोजन पानी सभी व्यवस्था कराई गई है। और मैं इसी प्रकार नायब तहसीलदार जी का सभी स्टाफ मेंबर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कोरोना में भरपूर सहयोग मिला है। धन्यवाद। जो आज स्टाफ को सम्मानित किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना? ऐसा जी, हमारे जो सहा के नायब तहसीलदार साहब हमारे माननीय सुरेश चंद जी और उनके जो भी सर्कल के पटवारी कानूगो और तहसील का स्टाफ खान साहब सारे रल मिल के इन्होंने अपना जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को खाना बनवाने में और वितरित करवाने में बहुत ही अच्छा कदम उठाया। सरकार के निर्देशानुसार तेपला RD फार्म में तहसीलदार साहब SDM साहब की देखरेख में खाना बन रहा था और आगे जो संगठन है जैसे युवा समाज सेवा संगठन है, शहीद भगत सिंह है और जितने भी संगठन हैं, उन्होंने उस खाने को आसपास साहा में अपना राधा स्वामी सत्संग भवन, RD फार्म, लक्की फार्म और जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उसमें वितरित किया। और हमारे युवा समाज सेवा संगठन की सारी टीम, प्रधान अरविंद गोयल जी, मनीष राणा जी, तरुण गर्द जी, राजू ढकोला जी, गोल्डी धमान जी, डॉक्टर संधु जी, अजय कौशल जी, रेशम मिठापुर, अपना गोलू समलेड़ी, जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, इन्होंने इस कार्य में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। अपने जो हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, इनकी देखरेख में हर प्रवासी मजदूर को, हर ज़रूरतमंद को खाना पहुंचा है। और जो भी लॉकडाउन के तहत दौरान चाहे निरंकारी भवन है, जहाँ भी है प्रवासी मजदूर ठहरे थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से SDM साहब सरकार की अगुवाई में उनको, चाहे वो उत्तर प्रदेश का था चाहे वो बिहार का था, बहुत ही सही ढंग से उनको यहाँ से उनके वहाँ तक पहुँचवाया और उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टरी देखरेख, खाने की देखरेख बहुत अच्छी थी। इन्होंने लॉकडाउन के दिनों में अपने शरीर और अपने परिवार का ध्यान ना रखते हुए भी लोगों के बीच में रहे, ये इनकी बहुत ही बड़ी कुर्बानी है। उसी को देखते हुए आज हमारा युवा समाज सेवा संगठन सहा नायब तहसीलदार उनके स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और हमने पुष्प वर्षा से और फूल मालाओं से इनका यहाँ स्वागत किया और उपलाइज किया। धन्यवाद।